नमस्कार, मैं आचल आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल हेल्थ मीटर में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं आज का टॉपिक। आज मैं आप सबको शनि ग्रह के उपाय के बारे में बताऊंगी, जिसे करने से शनि ग्रह खुश होते हैं, शनि देव खुश होते हैं और सुख समृद्धि और पैसे की वर्षा करते हैं। शनि ऐसा ग्रह है जिसके प्रति सभी का डर सदैव बना रहता है। किसी भी मनुष्य की कुंडली में शनि किस भाव में है, इससे मनुष्य के जीवन की दिशा, सुख दुख आदि सभी बात निर्धारित हो जाती है। शनि को कष्ट प्रदाता के रूप में अधिक माना जाता है। शनि को सूर्य पुत्र कहा जाता है, लेकिन इसे पिता का शत्रु भी कहा जाता है। शनि अगर देने को आए तो बहुत देते हैं, लेकिन अगर रूठ जाए तो बहुत कष्ट देते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिससे शनिदेव बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और आप पर सुख समृद्धि की वर्षा करते हैं, धन की वर्षा करते हैं और दुखों को हरते हैं। आप खुद भी जान सकते हैं कि किस तरह से आपको पता चलेगा कि शनि बुरा है या अच्छा है। यदि शरीर में हमेशा थकान व आलस भरा रहे, नहाने धोने में अरुचि रहे, नए कपड़े खरीदने या पहनने का मौका ना मिले, नए कपड़े या जूते जल्दी जल्दी फटने लगें, घर में तेल राई दालें फैलने लगें या नुकसान होने लगे, अलमारी हमेशा अव्यस्त रहे और भोजन से बिना कारण अरुचि होने लगे, सिर पर पिंडलियों में कमर में दर्द बना रहे, परिवार में पिता से अनबन रहने लगे, पढ़ने लिखने में लोगों से मिलने में उत्साह कम होने लगे, चिड़चिड़ाहट होने लगे, तो इन बातों से आप जान लीजिए ये संकेत हैं कि शनि आपका खराब हो रहा है। इसमें से चाहे अब आपको एक सिम्टम मिले या दो मिले, शनि हमें बहुत पीड़ा भी देते हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता है शनि खराब होने से, और शनि खराब होने से आपके पैरों पर कष्ट भी आ सकता है, आपके बिजनेस आपकी जॉब प्रभावित हो सकती है, आप पर कर्जा हो सकता है शनि की खराब महादशा या अंतरदशा की वजह से। आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, ये आप इन सिम्टम से जानकर इस उपाय को कर लें और आपके शनि देव, जो शनि ग्रह की खराब दशा चल रही है, शनि देव प्रसन्न हो जाएंगे और आप पर मेहरबान हो जाएंगे। इस उपाय को करना बहुत आसान है और ये कोई भी कर सकता है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अब मैं आप सब भाई बहनों को बताना चाहूँगी उपाय बताने से पहले कि अगर कुंडली से रिलेटेड आपका कोई सवाल है, आप पर कर्जा है, संतान नहीं हो रही या जॉब नहीं मिल रही या फिर शादी नहीं हो रही, शादी हो गई है तो मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, तो नीचे दिए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम आपको कुंडली देखकर उपाय बताएंगे जिन्हें करने से आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। कुंडली देखने के हमारे चार्जेस हैं, तो आइए जानते हैं आज का उपाय। आपको एक कांसे की कटोरी लेनी है, ये आपको बर्तन की दुकान से मिल जाएगी, छोटी या बड़ी, इससे छोटी भी ले सकते हैं, इससे बड़ी भी ले सकते हैं। एक कटोरी आपको फ्राइडे को लेनी है, शुक्रवार के दिन आपको लेनी है, और इसे सरसों के तेल से मस्टर्ड ऑयल के साथ पूरा फिल कर लीजिए और रात को अपने सिरहांदी इसे लेकर सोएं। आपको नहा धोकर शुद्ध होकर सोना है, इसमें तेल भरकर शुक्रवार की रात अपने सिरहाने इसको रख लेना है और बड़ी शुद्धि से इस उपाय को करना है, बिल्कुल साफ सुथरे होकर, ना तो शराब का सेवन करना है ना नॉनवेज का। इसको पूरा सरसों के तेल से भरकर अपने पास रख लीजिए रात को सोने वक्त, और सुबह उठकर नहाने के बाद आपको एक काले कपड़े में नारियल बांधना है, थोड़ी सी काली उड़द की जो साबुत दाल होती है वो बांधनी है और एक लोहे का कील, और इन चीजों को आपको शनिदेव मंदिर में चढ़ाकर आना है। ये उपाय आपको सुबह उठकर नहा धोकर करना है और शुक्रवार की रात को आपको इसे पूरा भरकर, कांसे की कटोरी, इसे हम कहते हैं कांसे की कटोरी, या आपको किसी भी बर्तन की दुकान से मिल जाएगी, इसे आप पूरा फिल करके अपने पास रखेंगे शुक्रवार की रात, और सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन सुबह नहा धोकर आप ये शनिदेव मंदिर में चढ़ा कर आएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। मेरी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी जरूर दबाएं। मैं फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, गुड बाय।